नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष एक विशेष परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिसे हम आम भाषा में सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। इस परीक्षा को पास करना हर अभ्यर्थी के लिए एक सपने जैसा होता है, क्योंकि ये परीक्षा देश की सर्वाधिक कठिन और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं इस एग्जाम को देते हैं। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने पर हर वर्ष टॉप करने वाले और अच्छी रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की खबरें सारे न्यूज़पेपर्स और मीडिया चैनलों में छाई होती हैं। उन हजारों प्रतिभागियों में से कुछ सौ प्रतिभागी ही इसकी प्री परीक्षा में सिलेक्ट हो पाते हैं। फिर उसके बाद मेंस एग्जाम और इंटरव्यू पास करके कुछ चुनिंदा उम्मीदवार ही आईएएस या फिर आईपीएस बन पाते हैं। असल में उनका सिलेक्शन रैंक के आधार पर होता है, पर क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में ये रैंक कैसे डिसाइड की जाती है? कौन सी रैंक प्राप्त करने पर आईएएस और आईपीएस कैडर मिलता है? तो चलिए आज हम आपको IAS IPS कैडर के सिलेक्शन किए जाने के फॉर्मूला को सिंपल तरीके से समझाते हैं कि यह रैंक आखिर कैसे निर्धारित की जाती है। 24 सर्विसेज के लिए होता है चयन। यूपीएससी में रैंक का निर्धारण कैसे होता है, ये जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि यह परीक्षा उत्तीर्ण करके उम्मीदवार सिविल सेवाओं में चुने जाते हैं, अर्थात इसमें कुल 24 सेवाओं हेतु प्रतिभागियों का सिलेक्शन किया जाता है। ये 24 सर्विसेज दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। उनमें से फर्स्ट होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज भी शामिल है। इस कैटेगरी में जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर मिलता है। दूसरी कैटेगरी की सर्विस होती है सेंट्रल सर्विसेज, जिसके अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाएं शामिल होती हैं। ग्रुप ए के अंतर्गत इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी कि IFS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज यानी कि IRS और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि IIS इत्यादि सेवाएं शामिल होती हैं। ग्रुप बी के अंतर्गत आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, पुदुचेरी सिविल सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल तथा पुलिस सर्विसेज इत्यादि सेवाएं शामिल होती हैं। पहले होता है प्रीलिम्स एग्जाम। यूपीएससी में आपको दो एग्जाम देने होते हैं। इसमें से पहले होते हैं प्रीलिम्स यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप प्रीलिम एग्जाम दे सकते हैं। इस परीक्षा में दो दो घंटे के दो पेपर लिए जाते हैं। पहले पेपर के मार्क्स के आधार पर ही उनकी कट ऑफ तैयार होती है, जो दूसरा एग्जाम दे सकते हैं। फिर दूसरा पेपर यानी कि सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। फिर एक बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि अगर पहले पेपर में आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया पर दूसरे पेपर में आप पास नहीं हो पाते तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं माना जाएगा, यानी कि मेंस परीक्षा से पहले आपको यह दोनों पेपर पास करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि दोनों पेपर एक ही दिन दो अलग अलग शिफ्ट में लिए जाते हैं। फिर देने होते हैं मेंस के एग्जाम। इसमें आपके पूरे साल की पढ़ाई काम आ जाएगी। कहा जाता है ये एग्जाम पास करना प्रतिभागियों के लिए काफी बड़ी चुनौती होती है। इसमें सर्वप्रथम दो पेपर भाषा के होते हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, अर्थात इन दोनों पेपर्स में ही आपको 33% मार्क्स लाना आवश्यक होता है। इन पेपर्स के मार्क्स मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते हैं। इनमें आपको 3-3 घंटों का समय मिलता है। ये दो लैंग्वेज के होते हैं, एक इंडियन या फिर रीजनल लैंग्वेज और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज। फिर होता है एक निबंध का पेपर, जिसमें आपको 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं। ये दोनों ही निबंध आपको अलग अलग विषयों पर लिखने होते हैं।
हालांकि आपको विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से आप अपनी पसंद का विषय चुनकर निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद 4 सामान्य ज्ञान के पेपर होते हैं, जिसमें से प्रत्येक के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। वैसे एक दिन में 2 से अधिक पेपर हो नहीं सकते हैं, इसलिए टाइम टेबल उसी के अनुसार बनाया जाता है। अब अंत में होता है ऑप्शनल पेपर, यानी कि वैकल्पिक विषय। ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यह ऐसा विषय होता है जो आपको खुद को अपने लिए चुनना होता है। आपको बता दें कि मेंस एग्जाम में लैंग्वेज पेपर को छोड़कर अन्य सभी पेपर के मार्क्स जुड़कर फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 से 7 दिनों में ये सारे 27 घंटे के एग्जाम समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम के बीच अगर संडे या फिर कोई नेशनल हॉलीडे पड़ जाए तो उस दिन छुट्टी रहती है। ये एग्जाम होने के बाद मेंस का परिणाम आता है। मेंस के बाद इंटरव्यू। अगर आप मेंस में पास हो जाते हैं तो अब आपको पर्सनालिटी टेस्ट देने के लिए एक फॉर्म भरना होता है, तभी आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। इस फॉर्म को DAF यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें आपके द्वारा भरी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर ही इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी हॉबीज, बैकग्राउंड और शिक्षा के बारे में भी पूछा जाता है। फिर एग्जामिनर आपसे इनसे जुड़े सवाल भी करता है। इंटरव्यू देने के बाद ही आपका पूरा रिजल्ट बनता है और इसी के आधार पर आपको रैंकिंग दी जाती है। कैसे निर्धारित होती है रैंकिंग? रैंकिंग असल में वैकेंसी पर आधारित होती है, यानी किस वर्ष किसी पद के लिए कितनी वैकेंसीज निकलती है, तथा इसके अलावा विभिन्न कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC और EWS में जितने उम्मीदवारों ने जो भी विकल्प सिलेक्ट किया है उसी पर रैंकिंग निर्भर करती है। साथ ही आपने मेन परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरते वक्त अपनी पहली प्रेफरेंस जैसे IAS, IFS अथवा IPS जो भी भरा है उसे भी ध्यान में रखा जाता है। फिर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इस लिस्ट में जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं उन्हें IAS और IFS रैंक दी जाती है। फिर इसी लिस्ट के अनुसार घटते हुए मार्क्स के साथ अन्य सभी पोस्ट अलॉट किए जाते हैं। हालांकि ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि यदि सिविल सेवाओं में 100 पद रिक्त हैं और मान लीजिए उनमें से 30 पोस्ट IAS के खाली हैं, तो लिस्ट में टॉप के 30 उम्मीदवारों को ही IAS पोस्ट मिलेगी, क्योंकि यह भी संभव है कि उन टॉप 30 उम्मीदवारों में कुछ लोगों की प्रेफरेंस दूसरी हो, जैसे कि वे IAS की बजाय IPS या फिर IRS बनना चाहते हो। फिर ऐसी परिस्थितियों में मेरिट में कुछ पीछे रहने वाले प्रतिभागियों जिन्होंने अपना प्रेफरेंस IAS रखा है उन्हें भी यह पोस्ट अलॉट हो सकता है। इस प्रकार थोड़ी कम रैंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी उच्च सेवाओं के लिए चुना जाता है। जैसे यदि जनरल कैटेगरी में IAS के लिए 70 वैकेंसी है तो लिस्ट में टॉप पर आए 90 या फिर 95 तक की रैंक वाले कैंडिडेट भी जनरल कैटेगरी से IAS पोस्ट हासिल कर सकते हैं। और यही फॉर्मूला IPS, IFS तथा दूसरी सारी सिविल सेवाओं पर भी लागू होगा। रैंकिंग के लिए होता है तगड़ा कंपटीशन। हर साल UPSC में वैकेंसीज की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यदि साल 2005 में 457 वैकेंसी थी तो 2014 में बढ़कर 1374 हो गई थी। लेकिन वैकेंसी के साथ ही परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। हर साल सिविल सेवाओं में वैकेंसी के मुताबिक ही मेंस परीक्षा और इंटरव्यू देने वालों की संख्या निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए यदि 100 पदों के लिए वैकेंसी है तो इसके लिए लगभग 12-13 गुना प्रतिभागियों को मेन एग्जाम देने हेतु सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उनमें से 250 उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट होंगे और फिर उन्हीं में से चयनित होकर फाइनल रैंक की लिस्ट बनाई जाएगी। वैसे यह केवल एक उदाहरण है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि रैंकिंग के लिए कितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे कि UPSC में
कैसे रैंकिंग निर्धारित होती है। लाइव सिटीज के लिए गरिमा भारती की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।